नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर में श्री खाटू श्याम महाराज का 51वां 5 दिवसीय धार्मिक आयोजन 12 नवंबर से शुरू होगा। श्याम मंडल के अध्यक्ष एमके अग्रवाल के मुताबिक इस आयोजन में मोहनदास महाराज खाटू धाम पहली बार ग्वालियर में उनकी शाही सवारी निकाली जाएगी। 12 नवंबर को श्याम बाबा की शाही सवारी एवं अखंड ज्योति की स्थापना का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन प्रातः 10 बजे GYMC क्लब अतलेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर इंदरगंज, दाल बाजार, नया बाजार, लोहिया बाजार, पाटनकर बाजार, दौलतगंज से महाराज बाड़ा होते हुए सराफा बाजार, डिडवाना ओली, राम मंदिर, फालका बाजार, छप्पर वाला पुल से सिंधी की छावनी पहुंचेगी। यहां गणेश मंदिर पर शाही यात्रा का समापन किया जाएगा। शाम 7 बजे अखंड ज्योति की स्थापना श्याम हवेली पाताली हनुमान पर होगी। शाही यात्रा का श्याम बाबा के भक्त कई स्थानों पर पुष्प वर्षा से उनका स्वागत करेंगे। 13 नवंबर को शाम 6 बजे से सुंदरकांड का पाठ एवं 13 नवंबर को ही धमाल किंग मनीष गर्ग जयपुर का प्रोग्राम रात 8 बजे आयोजित किया जाएगा। 14 नवंबर को श्याम बाबा के पुराने भजनों का आयोजन होगा। 15 नवंबर को निशान पूजन एवं श्याम प्रभु की शोभा यात्रा हवेली से निकाली जाएगी, जो उपनगर ग्वालियर में कई स्थानों पर होकर वापस हवेली पहुंचेगी। 15 नवंबर को ही शाम 6 बजे से विशाल रात्रि जागरण का आयोजन किया जाएगा। यहाँ विख्यात भजन गायन शुभम रूपम कोलकाता सहित देश के विभिन्न कलाकार इस जागरण में हिस्सा लेंगे। सर, ये किस तरीके से प्रोग्राम है, किस तरीके से शाही यात्रा? नमस्कार, श्याम हवेली परिवार की तरफ से हम सब श्याम प्रेमी आपका स्वागत करते हैं। श्याम बाबा का वार्षिक उत्सव इस श्याम हवेली में आयोजित किया जा रहा है। ये 51वां वार्षिक उत्सव है जो कि आयोजित किया जा रहा है और इसमें भारतवर्ष में पहली बार खाटू जी के बाद श्याम बाबा की शाही सवारी निकलने वाली है, जिसमें खाटू जी से आदरणीय श्री मोहनदास जी, जो कि स्वयं बाबा की सेवा करते हैं, वो पहली बार इस रथ पे आरूढ़ रहेंगे। ये 5 दिवसीय उत्सव रहेगा और इस 5 दिवसीय उत्सव में पहली बार रथ के बाद 13 तारीख को धमाल का प्रोग्राम रहेगा, कार्यक्रम जिसमें मनीष अग्रवाल घी वाले जयपुर से श्याम बाबा की धमाल मस्ती प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद 14 को पुराने भजनों का अखाड़ा लगेगा। अखाड़े का मतलब होता है कि एक जोर अजमाइश प्यार की, ईश्वर से अपने समर्पण की जोर अजमाइश। उसके बाद 15 तारीख को एक विस्तृत भजन का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें कि कलकत्ता से शुभम रूपम, किमिता राठौर जी, श्याम सलोना जी और मनोज शर्मा जी, ये विश्व विख्यात सिंगर्स हैं जिनको हम YouTube पे सब सुनते रहते हैं। ये स्वयं आके बाबा की सेवा, बाबा की अरदास करेंगे और उसके बाद 16 तारीख को हम लोगों का विशाल भोजन प्रसादी वितरण रहेगा। शाही सवारी के लिए कौन-कौन सा रूट रहेगा? शाही सवारी रूट, शाही सवारी GYMC अचलेश्वर से चालू होगी, किशन बाबा के आशीर्वाद से। किशन बाबा हम सबके आशीर्वाद स्वरूप आज विराजित हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से ये हवेली चल रही है। उसके बाबा के पीछे वाले रथ पे किशन बाबा की तस्वीर आरूढ़ होगी। ये GYMCA से चालू होके दाल बाजार, लोहिया बाजार, दौलतगंज, सराफा होते हुए शिंदे की छावनी की तरफ जाएगी और इसमें पूरे रास्ते में पुष्प वर्षा, इत्र वर्षा और तोरण द्वार लगाए जाएंगे। मैं एक निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जो ग्वालियर के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है, ये 12 से 16 तक होने वाला है और ये कार्यक्रम 5 दिन का कार्यक्रम